नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू बिस्ट और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत पाकिस्तान के एशिया कप 2022 में 4 सितंबर को होने वाले मुकाबले की चर्चाओं में अभी से जोर पकड़ रखा है। बीते शुक्रवार को पाकिस्तान की टीम हांगकांग को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दे दी थी। ऐसे में अब उसका मुकाबला भारतीय टीम से रविवार को होने वाला है। इस मुकाबले के लिए दोनों देशों के क्रिकेट फैंस में अभी से जोश देखा जा रहा है। दोनों ही देशों के फैंस अपने अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए टीवी सेट से चिपके हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यूएई के दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचने की तैयारी करते हैं। मैच से पहले भारतीय दृष्टिकोण से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय टीम के हरफन मौला खिलाड़ी और पाकिस्तान मुकाबले में जीत के लिए अहम भूमिका निभाने वाले सर रविंद्र जडेजा चोट के चलते एशिया कप से बाहर हो गए हैं। बता दें कि बीते 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था। इस मैच में भारतीय टीम ने 5 विकेट रहते पाकिस्तान की टीम को शिकस्त दी थी। अब भारतीय टीम का मूड 4 सितंबर को एक बार फिर से यही कारनामा करने पर होगा। ये मुकाबला पिछले मैच की तरह दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। रविंद्र जडेजा के एशिया कप से बाहर होने के बाद माना जा रहा है कि भारत की टीम में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। जडेजा के टीम से बाहर होने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने शुक्रवार को मीडिया एडवाइजरी जारी कर अक्षर पटेल को एशिया कप में भारतीय टीम में शामिल करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि जडेजा की जगह अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। जडेजा और अक्षर में काफ़ी समानताएं हैं। एक तरफ जहां जडेजा बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल भी इसी तरह से क्रिकेट खेलते हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी ऑलराउंडर की भूमिका में भारतीय टीम में खेलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अक्षर पटेल को टीम में शामिल करने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। 28 अगस्त को हुए भारत पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबले के बाद एक बार फिर से ये दोनों टीमें एशिया कप 2022 में आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। आने वाली तारीख 4 सितंबर 2022 को भारत पाकिस्तान का दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला बेहद रोमांचक हुआ था। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इस दौरान पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 148 रनों का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य को भारतीय टीम ने अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल कर लिया था। भारतीय हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने छक्का मारकर पाकिस्तान की जीत वाली उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन सब के बाद एक बार फिर से दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। इस मैच के लिए दोनों टीमें नेट्स पर जमकर पसीना बहा रही हैं। वहीं इस मुकाबले के लिए एक भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान की टीम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 4 अगस्त रविवार को होने वाले मुकाबले के लिए अभी से सबसे ज़्यादा चर्चा जिसकी हो रही है वो है भारतीय टीम के उभरते हुए सितारे सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह हांगकांग के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेली थी, उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम में खौफ का माहौल बना हुआ है। सूर्य कुमार यादव ने हांगकांग मुकाबले में भारत की धीमी पारी को इस कदर रफ्तार दी कि जिससे टीम का स्कोर 192 रन बन गया। एक वक्त लग रहा था कि भारतीय टीम 160 रन से ज़्यादा नहीं बना पाएगी, लेकिन स्काई की दमदार पारी ने ऐसा सोचने वालों को गलत साबित कर दिया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में ताबड़तोड़ 68 रन की पारी खेली। सूर्य की इस पारी में 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। अब माना जा रहा है कि यदि सूर्य कुमार यादव अपने इसी फॉर्म को पाकिस्तान के खिलाफ भी जारी रखते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम को हार से कोई नहीं बचा सकता। अब इन सब के बाद जान लीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। जी हाँ, रोहित शर्मा कप्तान होंगे, उसके बाद KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा की तरह जगह पर रहेंगे, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और आवेश खान। एशिया कप से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप भी एशिया कप और क्रिकेट जैसे खेलों के प्रति रुचि रखते हैं तो अपने जानने वालों को ये वीडियो साझा ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।